हाय गाइस, दिस इज संदीप सानी फ्रॉम वीजा बड़ी और इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में। तो गाइस, अगर आप यूरोप या फिर अमेरिका कहीं भी पढ़ना चाहते हो तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, उसे आपको लिखना पड़ता है। और हम इंडियंस को, अगर आप विदेश में पढ़ने के बारे में रिसर्च ना करें तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है उसकी कोई जानकारी हमें होगी भी नहीं। तो मैंने क्या सोचा कि एक डिटेल में वीडियो बनाते हैं कि जिसमें आपको पूरा बताऊंगा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, क्यों लिखते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी होती है ताकि एक आप अच्छी खासी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख पाओ। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो फ्री में डालते रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हो अगर आप यूरोप में पढ़ना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ बता दूंगा कि अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखवाना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको प्रोफेशनल हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पज होता क्या है। तो गाइस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप लिखित में बताते हो यूनिवर्सिटी को कि आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए काबिल क्यों हो। आपकी उसको बताते हो, यूनिवर्सिटी को बताते हो कि आप इस रीजन से आप उस यूनिवर्सिटी के उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हो। तो ये होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। इसको कुछ लोग लेटर ऑफ मोटिवेशन भी बोलते हैं कि इस कारणवश मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए मोटिवेटेड हूं। तो अभी बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा डिटेल इंक्लूड करना होता है और क्यों इंक्लूड करना होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लेटर ऑफ मोटिवेशन को यूजुअली 2 पेज का लिखने के लिए बोला जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा, और किसी किसी केस में आप 3 या 4 पेज के लिए लिखने के लिए फ्री होते हो। तो अभी बात करते हैं इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन डालना होता है। तो सबसे पहले आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बताना होता है कि ये बैकग्राउंड आपने क्यों चुना, इसमें क्या क्या सीखा, और जो कुछ भी इस अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में सीखा वो सब इन्फॉर्मेशन आपको कैसे हेल्प करने वाली है आगे जाके जिस कोर्स में पढ़ने वाले हो उस कोर्स के जर्नी में। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत अपने बचपन की कहानियां इंक्लूड करनी होती है, कुछ ऐसे मोमेंट्स के बारे में बात करनी होती है जिस मोमेंट में आप मोटिवेट हुए कि मुझे इस फील्ड में जाके कुछ डिफरेंस करना है, कुछ अच्छा करना है इस फील्ड में घुस के। तो अभी 2 इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। पहला कि आप अपने बचपन से या फिर किसी पहले की कुछ ऐसी स्टोरी बताओ, ऐसे मोमेंट्स के बारे में बात करो जिस मोमेंट में आपने डिसाइड कर लिया, लेट्स से आप डेटा साइंस पढ़ना चाहते हो, तो ऐसे मोमेंट के बारे में बात करो कि जिस मोमेंट पे आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई मुझे इस कारणवश मैं इस मोमेंट पे डिसाइड करता हूं कि मुझे डेटा साइंस आगे जाके पढ़ना है, और उसके बाद में बाद आपने डेटा साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा चालू कर दी, जो भी कुछ सीखना होता है फंडामेंटल वो सीखना चालू कर दिया। तो उस मोमेंट के बारे में डिस्कस करो, ऐसे मोमेंट को सोच के लिखो जिस मोमेंट पे हमने डिसाइड किया कि मुझे इस कोर्स में पढ़ना है। अभी दूसरी बातें करते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा स्टोरी को फ्लो में लेके जाके बात करना है कि आपने किस मोमेंट पे डिसाइड किया कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। भले ही आपके पास कोई कंपेलिंग स्टोरी ना हो लेकिन आप मेकअप कर सकते हो थोड़ी बहुत, आप पूरी फेक स्टोरी नहीं लिख सकते लेकिन थोड़ी बहुत कहानियां बना के ऐसे लिख सकते हो कि इस मोमेंट में मैंने डिसाइड किया कि डेटा साइंस पढ़ूंगा, और उसके बाद रिसर्च करते करते मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिला, और इस मोमेंट में मैंने डिसाइड किया कि मैं क्यों इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ूंगा, इस यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में पढ़ के मुझे क्या फायदा होगा। तो ये आ जाता दूसरा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को आप जितना इमोशनल बना सकते हो, जितना इमोशन को अराइज कर सकते हो, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगा। तो ये 2 पॉइंट को लिखने के बाद तीसरा आता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। आपका एडुकेशनल बैकग्राउंड में बताओगे कि आपने एडुकेशनल जो भी आपने बैचलर किया मान लो, तो बैचलर के दौरान ऐसा ऐसा क्या क्या प्रोजेक्ट किया, ऐसा किस किस फेस्ट में पार्टिसिपेट किया, क्या क्या सीखा आपने जो आपके मास्टर के दौरान आपको हेल्प करेगी, या फिर अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हो तो आपने हाई स्कूल से कुछ ऐसा लिख दो कि आपने क्या क्या सीखा, कौन कौन से मोमेंट थे कि आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको आपके एडुकेशन के दौरान हेल्प करेगी। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। ये 3 पॉइंट इंक्लूड करने के बाद आप चौथा कर सकते हो कि आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट किया है जो आपके लिए रेलेवेंट है आपके फील्ड ऑफ स्टडी से, वो सब भी इंक्लूड कर सकते हो। तो गाइस, ये होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में 3 मेन पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए, और इन 3 मेन पॉइंट को जितना ज्यादा इमोशनल बना सकते हो उतना ज्यादा इंपैक्टफुल आपका होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। पहला, एक ऐसी स्टोरी सोचो जिस मोमेंट पे आपने डिसाइड किया कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में घुसना चाहते हो। उसके बाद आप एक बार जब ने डिसाइड कर ले तो ऑफ कोर्स आप रिसर्च करेंगे इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में। तो दूसरा पॉइंट आप ऐसा लिखो कि जिस मोमेंट पे डिसाइड किया कि आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो,
तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। और तीसरा, आपके एडुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में लिखो, जो कुछ भी सीखा, जो कुछ नॉलेज आपने गेन किया, जो आपके स्टडी के दौरान आपको हेल्प करने वाली है। तीसरा और चौथा, सॉरी, दूसरे पॉइंट में आप ऐड कर दो कि जिस यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट कर रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हो, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ के आपको एक्चुअली क्या फायदा होगा। मैं नहीं बोल रहा कि आपका सारा पॉइंट, सारा स्टोरी 100% ट्रू होना चाहिए, लेकिन कंप्लीटली फेक भी नहीं लिख सकते आप, नहीं तो वो लोग, अगर उनको लग गया कि स्टोरी फेक है, फिर वो बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हो, तो उनको ये आपके प्रोफाइल को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। तो ये तीन मेजर पॉइंट आप अगर लिखते हो अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, तो ये आपको लिए एक अच्छा खासा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बन जाएगा और आपके प्रोफाइल को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देगा। तो इसके साथ साथ गाइस, अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए कोई प्रोफेशनल हेल्प आपके लिए अच्छा रहेगा, आप एक अच्छा खासा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम प्रोफेशनल्स के द्वारा आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लिखवा के आपको जल्द से जल्द डिलीवर करते हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच, दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।